हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो हार्ट होता है। हार्ट की जो लोकेशन होती है वो दोनों लंग्स के बीच में और थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है। जैसा कि आपको हार्ट जो है बीट करता दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जो रिब्स केज के अंदर हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का वही मेनली पंप करता है। हार्ट एक्चुअल में जो है फोर चैम्बर्ड होता है, इस तरीके से जो दिखाई देता है, दो अपर चैम्बर होते हैं और दो लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम ओरिकल कहते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो लेफ्ट ओरिकल होता है, इसमें सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स, फिर उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट ओरिकल से, ब्लड जो होता है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करता है।